एम्प्लॉय क्लास से, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं ईडीसी एम्प्लॉय क्लासेस के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप तक सारी सरकारी न्यूज़ जो सरकारी जॉब्स हैं उससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो आज जो वैकेंसीज है उसके बारे में आपको बताऊंगी ताकि आप अप्लाई कर सके बिफोर द लास्ट डेट। और ऐसी अपडेट्स के लिए जो है हमने पहले से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको प्रीवियस जितनी भी वैकेंसीज है जो अभी चल रही हैं वो सारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डेली हम 5 से 6 या मैक्सिमम 10 ही पोस्ट जो वैकेंसीज है वो कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। प्रीवियस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा जो कि आपके अभी आरआरबी में आई हुई हैं, आपकी डाक विभाग में एचजीडीएस की वैकेंसीज आई हुई, बैंक्स में इतनी सारी वैकेंसीज आई, वेस्ट बंगाल पुलिस में आई हुई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं जिसकी अपडेट्स मैंने ऑलरेडी उस चैनल पर डाल रखी है, प्लेलिस्ट में डाल रखी है एडिशन लाइव क्लासेस में, तो वो जाके देख सकते हैं। आज की वैकेंसीज है जो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आई हुई, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में आपको बताएंगे। तो एजेसी ने निकाली है 249 ग्रुप डी की वैकेंसीज निकाली है जिसकी लास्ट डेट आपकी 22 अप्रैल है। इसका नोटिफिकेशन आपको hssc.gov.in पे मिल जाएगा और इसके लिए आप 10th पास कैंडिडेट्स जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट आपकी 18 to 42 ईयर्स, ओबीसी को 3 ईयर्स का एज रिलेक्शन है और अदर कैटेगरी को जो एसटीएससी वाले हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलेक्शन है। पे स्केल आपको 16,900 है से 53,500 रुपये तक आपका पे स्केल रहता है रहेगा। और इसका जो लोकेशन रहेगी, जॉब लोकेशन, वो हरियाणा रहेगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसकी वैकेंसीज निकाली है तो उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। 249 ग्रुप डी की वैकेंसी से 10th पास के लिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके 22 अप्रैल से पहले। नेक्स्ट है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। मद्रास हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली है, लो क्लर्क वैकेंसीज हैं, 68 पोस्ट है, लास्ट डेट आपकी 25 अप्रैल है। इसके लिए लो क्लर्क के लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मद्रास हाई कोर्ट की, वहाँ पर जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा। पे स्केल 30,000 पर मंथ है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है LLB जिसने कर रखा है, वो LLB पास कैंडिडेट जो ग्रेजुएट्स हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। चेन्नई आपका जो है तमिलनाडु चेन्नई, वहाँ पर आपका जो पोस्टिंग रहेगी। लो क्लर्क पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं आप, 68 पोस्ट LLB वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, लास्ट डेट आपकी 25 अप्रैल, तो 25 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। आगे हैं कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KPTCL ने वैकेंसीज निकाली है, 1450 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करने की लास्ट तारीख 4 अप्रैल है। इसमें इंजीनियर्स की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की, और अलग भी वैकेंसीज है जो कि आप KPTCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। 1450 टोटल पोस्ट है, इसमें बी बीटेक डिप्लोमा और 10th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो 10th पास भी है, डिप्लोमा में बी और बीटेक है। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स है, बी जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी का एज लिमिट रखी गई है, तो वो आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन विजिट करना पड़ेगा। KPTCL ऑफिशियल वेबसाइट है KPTCL की, वहाँ पर जाके आपको KPTCL.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, वहाँ पर जाके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए 4 अप्रैल से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली 46,800 से आपकी 26,270, ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी सैलरी है, तो वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आगे हैं आपकी जो ESIC ने निकाली है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, ESIC जो डिपार्टमेंट है उसमें अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC की और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसके लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल है। इसके लिए आपका 12th और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 2258 पोस्ट है और इसमें आपका सैलरी पे स्केल रहने वाला है 25,500, लेवल 4 का पे स्केल रहने वाला है। एज लिमिट आपकी 18 to 27 ईयर्स है। ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है ये, नेशनल लेवल की। तो UDC और स्टेनोग्राफर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम भी होगा और स्किल टेस्ट भी होने वाला है। आवेदन करने के लिए आपको इसकी ESIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा और वहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी BTSC ने वैकेंसी निकाली, जिसकी लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल है। 6,379 पोस्ट है यानी आपकी 6,379 पोस्ट है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 मिनिमम ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी, 37 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी bpsc.bis.nic.in, जहाँ पर आप जाके आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट अभी 15 अप्रैल है। नेक्स्ट है आपकी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो डिपार्टमेंट है, कंपनी है RCFL, उसमें आवेदन कर सकते हैं। 50 ऑपरेटर ट्रेनिंग की पोस्ट है, जिसके लिए आपका
पर मंथ पे स्केल रहने वाला 22,000 से 60,000 के बीच में। और लास्ट डेट आपकी 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल से पहले पहले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 20 ईयर्स एज रखी गई है। BSc और डिप्लोमा वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की जो टॉप वैकेंसीज थी जो जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप तक लेके आते रहते हैं डेली। और अगर कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तो सारी जो भी जितनी भी वैकेंसीज उसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।